Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आज है नेक्स्ट डे और फ्राइडे है आज. तो बेसिकली आज हम लोग उठ गए थे 10:30-11 बजे करीब. फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और अभी हम तैयार हो रही हूँ मैं. तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे थे रिलेटिव्स की तरफ, लेकिन वो अभी फोन नहीं उठा रहे क्योंकि सुबह हो रही है, जाहिर है सो ही रहे होंगे. तो फिलहाल अभी हम तैयार वगैरह हो रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और हम जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए. तो उसके बाद बाहर घूमेंगे. गर्मी तो हो ही रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम आए हैं तो क्योंकि ये बादशाही मस्जिद और इस तरह जहाँ तो प्लेसेस हैं ये बंद हो जाती हैं 6 बजे तक, तो इसलिए हमें जल्दी ही जाना पड़ेगा. तो अभी हम निकलेंगे, 2 बजे तक निकलेंगे यहाँ से. तो रिलेटिव्स ने फ़ोन उठा लिया तो पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे. नहीं उठाया तो डायरेक्ट जाएंगे, फिर वो करेंगे घर चले जाएंगे. खैर अभी मैं तैयार हो रही थी तो मैं कल वाला ही ड्रेस आज वेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हम लोग को रात को ही ट्रैवल करना है, तो मैं इसलिए फिर रात को ही चेंज करूँगी. तो अभी चेंज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है. मैंने कल रात को भी सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही पहना था, तो मैं वही वाला दोबारा पहन रही हूँ. मुझे तैयार हो चुकी है, मैं तैयार होती हूँ. मैंने सनस्क्रीन लगा लिया भर भर के, क्योंकि दोपहर में सुबह धूप का टाइम है, दोपहर में निकलना है. तो मैंने सनस्क्रीन भर भर के लगा लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ. देख लो सनस्क्रीन ना बहुत अच्छी सब्जी. आप लोगों ने मुझसे पिछले व्लॉग में ना कमेंट में बहुत पूछा था आप कौन सी सनस्क्रीन, मैं स्लीपर कौन. तो ये सन ब्लॉक है वाइटनिंग एंड विनिशिंग सनस्ब्लॉक रिवाज यूके का. ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, SPF 60 है और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. इसकी इसको लगा के आपको बिल्कुल टैन भी नहीं होगा, बहुत अच्छा है. तो मैं यही यूज़ करती हूँ. मैंने अपने हाथों पे, पैरों पे और फेस पे और गर्दन पे हर जगह लगा लिया है जहाँ जहाँ धूप पड़ेगी, और मुँह इसको भी मैंने लगा दिया फेस वगैरह पे ताकि धूप से टैन ना हो, क्योंकि बहुत गर्मी है. और आप लोग नाइट क्रीम पूछ रहे थे, तो ये नाइट क्रीम तो नहीं है वैसे, लेकिन आप नाइट पे भी लगा सकते हैं. मैं आपको इसका दिखाती हूँ, रुके. तो ये वाली वो है अलूर इसका नाम है. ये रिजा के नाम से इसका पेज है और ये अलूर के नाम से है. स्किन ब्राइटनिंग क्रीम लिखा हुआ है. और ये ना आपके इसमें कॉजिक एसिड, नाइसिनमाइड, ग्लूच. और ये जो पता है क्या करती है, आप लोगों के जो डार्क स्पॉट हो जाते हैं और अंडर आई ब्लैक हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये. आप यूज़ करें, रात को लगा के सोएं, दिन में लगाएं, जब भी लगाएं मेकअप के अंदर लगाएं. तो वैसे तो मैं इसको रात को ही लगाती हूँ ताकि अच्छे से पूरी रात लगे रहे स्किन में, तो मैं रात में ही लगाती हूँ. सही है. तो इसको हम लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र भी लगा लेती हूँ बस, क्योंकि मेरे डार्क स्पॉट्स थोड़े बहुत इधर हैं, उसके अलावा नहीं है. तो बस मैं इसी पे इधर ही लगाती हूँ और अंडर आईज पे हल्की लगा लेती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है. तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है. ये तैयार हो चुके हैं, ये मेरे सर पर आ गए हैं. तैयार हो जाओ. मैं तैयार वैसे इतना ज़्यादा हो नहीं रही हूँ, क्योंकि जो है ना वो गर्मी हो रही है, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मैंने सनस्क्रीन लगाई थी और हल्का सा मैंने ये लगाया है. मैं अब ब्लश ऑन लगा लेती हूँ बस. मैंने ये ब्लश ऑन लगा लिया है और ये ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, थोड़ा सा ना आईलेट्स पे लगा लेंगे क्योंकि नींद वाली आँखें हो रही हैं. नींद तो मैंने अच्छी ले ली भाई, नींद ना लो ना इंसान फ्रेश नहीं रहता, तो मैंने नींद लो ले लिया अच्छे से. मैंने हल्का हल्का ब्राउन शेड कर लिया, ठीक है. अब मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ. तो मैं यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ. आज मैंने बाल इस तरह आगे से बांध लिए ताकि फेस पर नहीं आए, और कैचर भी रख लिया, कैचर लगा लूँगी. मीज भी तैयार हैं. मीज ने शर्ट चेंज करी है. बहुत सारे शर्ट लेके आए, रोला ने एक बदलने की. वैसे मैं भी सब बदल के लेकर बहुत सारे कपड़े आई थी, लेकिन मैंने इस वजह से ये भी पहन लिया कि
हम रात को पहना ही नहीं था इतना ज़्यादा, तो फिर इसलिए मैंने यही पहला, कोई ना तस्वीरें हुई ना पिक्चर्स हुई, बस मॉल ही गए थे, बस व्लॉग बनाया मैंने, ये था, तो ये इसलिए मैंने आज पहन लिया। मेरा चार्जर रख लिया ना? हाँ, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? फादी मामू के घर पे, क्योंकि उन्होंने कॉल उठा ली फाइनली, वो सो रहे थे। हाँ, उनकी कॉल खुद ही आ गई, तो वो सो रहे थे, उन्होंने बोला मैं सो रहा था, अब हम लोग उनके घर जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम अब शाम में निकलेंगे 4 बजे या 5 बजे के, क्योंकि सूरज थोड़ा नीचे आएगा, अभी 12 बज रहे हैं और सूरज बिल्कुल सर पर होगा, तो अब हम यहाँ से चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। चलो बाहर से ही कर लेंगे। सनफ्लावर की ये बात पता नहीं थी कि ये सनफ्लावर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुंह सूरज की तरफ होता है, जहाँ सूरज जाता है उसका मुंह उधर घूमता है, ये मुझे बहुत बाद में पता चला था। अच्छे से मैं सनफ्लावर इसलिए समझती थी कि सन की तरह दिखता है, पर मुझे सनफ्लावर बहुत पसंद है। और यहाँ ना फुटपाथों में सारे कम्प्लीटली सनफ्लावर लगे हुए हैं और हर जगह सनफ्लावर की सौगात है। इधर होटल में रुके, इसका नाम है शंघाई होटल। तो यहाँ पर जो है ना, मुझे पिछली दफ़ा जब अपनी बहन और हिरा लोग के साथ आए थे तो यहीं रुके थे, इसलिए वो उन्होंने बोला कि ये अच्छा हो, तो हम इसलिए यहीं पर रुके। अरे बोला आपका एक्सपीरियंस था इस होटल का, इसलिए हम इधर ही आए, और हमें सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन इस दफ़ा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, इस दफ़ा बहुत ही बेकार सर्विस होगी, तो नेक्स्ट टाइम हम इधर नहीं आएंगे। पर नेक्स्ट टाइम तो हम लाहौर ही नहीं आएंगे भाई, हम पिंडी चले जाएंगे, लाहौर नहीं आएंगे यार, डायरेक्ट हमें जहाँ जाना होगा वहीं जाएंगे। लाहौर में स्टे करना बेकार तरीन, बेकार नहीं है और गर्मी की वजह से रंग दे, बेकार ही है। मुझे यहाँ पे घूमने की क्या जगह, इंसान ने एक दफ़ा कुछ देख लिया तो बार बार घूमने देखेगा। गर्मी हो रही है बहुत। ये हमारे सोनू मामू हैं, इन लोगों ने बहुत फैदी मामू ने बहुत इंसिस्ट करा वहाँ जाने, यहाँ आने के लिए यहाँ पर आ गए। हाँ, हम लोग यहाँ से रात को निकलेंगे, अभी ये लोग हमें घुमाएंगे सोनू मामू। हाँ, हम जा रहे हैं जू, जू आप लोगों को पिकरा होगा तो हम शायद फिर खुद ही उसमें एंटर। यहाँ का जू अच्छा है यार, अरे बात तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। काफी अच्छा व्यू है छत पे से। क्या वो दिखाई दे ओ भाई, चले भाई चले चले, ये हमारे फेदी मामू है भाई, इनसे नहीं मिले तो आप लोग इनसे भी मिल लो, इनको भी फॉलो कर दो फेसबुक पे भाई, फेसबुक में टिकटॉक तो फॉलो करो, टिकटॉक पे। हाँ, टिकटॉक ऐसा फॉलो कर दोगे मैं तुझे भूल जाऊँ। ये हमारे फैजल भाई है भाई, ये टिकटॉक पे नहीं है, ये टिकटॉक पे नहीं, लाहौर में है, शरीफ बंदे है, टिकटॉक पे नहीं, टिकटॉक देखते जरूर है पर टिकटॉक की आईडी नहीं है। ये हमारे भाई शौकीन है, इनको फॉलो करो, सब फॉलो लाजम करो, आज का नाम है ना, अभी हम लोगों को लेके जा रहे हैं कहाँ पे, सफारी जू लेके जा रहे हैं भाई, हम सारी पूरी फैमिली मिलकर जा रही है, चलो भाई चलो जू जाने की तैयारी हो गई। हाँ भाई, मुझे मजा आ रहा है, मैंने इसको पहले ही बोला था आते वक्त, मतलब भाई हम जिनके जिस घर जा रहे हैं ना वहाँ इतना हम लोगों को ऐसे लग देंगे जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ से आ रहा है। क्या ओपन है, क्या चीज बंद है यार, ये तो इंटरनेट पे गूगल पे हमने देखा था 7 बजे की टाइमिंग बता रहा था। बंद पड़ा हुआ है, अबे ये तो रेनोवेट हो रहा है। मैं तो सुबह से कह रहा हूँ, अब क्या करें भाई, चिड़ियाघर बंद है भाई, आपने कांच ले खुला हुआ है, मैंने तो उस पे गूगल पे देखा था, अब क्या करें, कहाँ चलें भाई, ठीक है बात में ये मजे की बात बताऊं, भाई हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस मॉल, ये आर्मी वालों के अंडर में पूरा, टिकट दिए, ये क्या देते पार्किंग, ये
यहाँ पूरी चेकिंग के बगैर बगैर बंदा निकल नहीं सकता। ये क्या चीज है भाई, लाहौर में कहाँ है गई? ये है वही शाबाश है भाई, कहाँ जा रही है? देख लिया उन्होंने वीडियो बनाते हुए, देख लिया हम क्या कर रहे हैं, हम तो बना रहे हैं, आप लोग कैमरे में आ रहे हैं। मुझे इतना लंबा कद होता अगर नहीं, इतना लंबा भी अच्छा नहीं लगता नॉर्मल। कहाँ है इसकी? अच्छा तो बैनर लगा इसी उसमें आई थी ना ये, अभी ब्लॉग जो बनाया इसने। ये कोई किस चीज का वो कर रही है एडवर्टाइज? सुपर वुमन के लाइफस्टाइल, अभी भी अब वो पर मदर्स गया था ना। हम आए फोर्टेस्ट मॉल, ये बहुत ही अच्छी सी ना स्ट्रीट बनी हुई है, बहुत अच्छी मॉल भी है। यस देख चल सी 12 मई 2024। यस वो यहाँ पर पैरट्स वो रखे हैं, ये वही मॉल है जहाँ पे इकरा कवल आई थी 12 मई को, यहाँ पर इसका व्लॉग देखा होगा लोगों ने, है ना। हम बाउंस में जा रहे हैं, सुपर स्पेस एंड जॉय लैंड बाउंस में हम जा रहे हैं। जॉयलैंड है, गेम्स है इधर, करना ही करना है, इंडोर गेम्स बहुत हो रहा है। ये क्या करना है, गिलास गिराना है, ये वाला गेम और वो वाला इनका फेवरेट। इसमें हाईएस्ट स्कोर है 444, बहुत ही कम है। ये कौन सा हाथी लगा हुआ है? हाथी देखो कौन सा, ये सूंड है, इतना लंबा हाथी, ना पैर है ना कुछ, सांप की शक्ल का हाथी। मामू ये हाथी कौन सा? नहीं हाथी है कौन सा, मैं ये देख रहा हूँ। कब तक मारना है? हो गया स्टार्ट, स्टार्ट। मास्क लगेगा मास्क, अगर जैसी वॉमिटिंग शुरू हो फील हो रहा हो ना छोड़ देना जी, नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। इस कर दू मैं, ट्रेन चलती है क्या मनीषा? पूरा हो गया नहीं, पहले पहले पूरा
कितने गिरे? तीन गिरे, एक और चाहिए। दो और निकल, दो ये वाले दो गिराने हो जाए। ये बस कोई भी एक गिरा दो। अच्छा तीन गिरे? हाँ तीन गिरे, एक गिरा दो बस कोई सा। एक शॉट में चार गिरे। अच्छा अभी भी तीन ही गिरे। तीन ही गिरे? हाँ निशा पोल के ऊपर से यहाँ से जॉयलैंड बनाया है नीचे और ये है पोलो क्लब, पोलो गार्डन, वहाँ हॉर्स राइडिंग भी हो रही है। हमारे एस्केप रूम के अंदर यहाँ से हमें रास्ता आप नहीं कहीं चलते रास्ता ढूंढना सब जगह मिरर है। ये रहा, चलो ये चलो ये रहा, ये रहा, ये तो बंद है, ये रहा। बड़ी जल्दी बाहर निकल रहा है मैं, दरअसल नीचे ऊपर नहीं देखो नीचे देखो। ये लो, ये क्या, हम तो इतनी जल्दी आ भी गए। अबे इधर तो सर घूम रहा है, ये कहाँ से पुश करूं, ये लेजर है। अच्छा इन्होंने स्केप और लेजर साथ दिया हमें। चलो मुईस इतनी मिनी सी मैकडॉनल्ड्स की वनीला कौन ये अभी जो सबने बनाया ये सब हमें ड्रॉप करने के लिए आए हैं। मैं अपना ब्लॉग यहीं करती हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो इसका इस ब्लॉग में लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल को मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॗग में। अल्लाह हाफिज़।